ये सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी और मैं बाहर आके देखी तो ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बगल में मंदिर था तो वहाँ की भी घंटियाँ बज रही थी। तो सुबह से ही इतनी ज़्यादा तेज़ और लगातार बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुबह बनारस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है बनारस में हमारा दूसरा दिन और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं मॉर्निंग में आई थी तो मॉर्निंग में भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बाकी सब लोग अभी नहा धो रहे हैं, सब लोग इकट्ठा, मतलब सब लोग अपना काम कर लें, नहा धो लें, उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लें, उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। वैसे आज हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हम लोग विंध्याचल जी जाएंगे, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो देखते हैं कब से निकलते हैं और क्या क्या प्लान है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली हम लोगों ने अपना रूम लॉक कर लिया और सब लोग अपने रूम से निकल गए हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अपने कार के पास जाएंगे, उसके बाद से फिर देखते हैं कि हम लोग चाय वाय पी के जाते हैं या फिर ऐसे ही बस निकलते हैं विंध्याचल जी के लिए। रास्ते में कुछ मिला तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और हम लोग नीछे उतर ही रहे थे कि इन लोगों का कुछ छूट गया तो हम लोग ऊपर आए और फिर मैंने बालकनी से देखा कि कितना ज़्यादा रश है आज भी रोड पे। और फाइनली हम लोगों ने वो सामान ले लिया जो छूट गया था और अब हम लोग चलते हैं नीचे। और ये सामने हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने कार के पास। इधर नाली है। तो फाइनली हम अपने कार में बैठ गए हैं तो चलिए चलते हैं। रहते कि लकीली तुरंत वहाँ का ढाला खुल गया और हम लोगों को ज़्यादा वेट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग तुरंत वहाँ से फिर निकल लिए। हम लोग जाने से पहले यहाँ पे आए अपना CNG डलवाने के लिए और अब हम सब लोग अपने कार से बाहर भी आ गए हैं। तो ये देखिए दोनों गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं CNG के लिए और हमारा CNG भर गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए कितना सामने कीचड़ था, बहुत ज़्यादा पानी रुका हुआ था, एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो आइए चलिए चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे थे तो ये रोड अभी बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइम तक हम आए तो क्या पता ये रोड जो है गड्ढा मुक्त, जो सड़कें हैं, इन सब चीज़ों से हमें निजात मिले और हम लोग आराम से इतना कुदा कुदा के जो गाड़ी हमारी हो रही थी वो सारी चीज़ें ना हो। तो आई होप आने वाले कल में ये अच्छा हो जाए ताकि हम नेक्स्ट टाइम आए तो हमें फ्री रोड मिले। तो
मैंने यहाँ से चारों तरफ ऐसे अपना कैमरा रोटेट किया तो ये देखिए एकदम गोलाई में जो सड़कें होती हैं एकदम गोल सड़क है यहाँ की, राउंड शेप में है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसा नहीं पहले देखा था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही राउंड शेप में था ये पूरा चारों तरफ से ऐसे, और ये रोड बहुत अच्छी थी। हम लोग जा ही रहे थे कि हमें ये एक ढाबा मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, तो हम लोगों ने गाड़ी को साइड में पार्क किया और फिर हम लोग चले गए। तो बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ मोछू ढाबा पे आए हैं अपना जलपान करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आगे की ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करेंगे। बैठा जाए उस पर। ये रही हमारी गर्मा गर्म भजिया। लग रहा है और ये रहा हमारा कुल्लड़ वाला चाय, देख के ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चाय ठीक है ना? तो आइए चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपना जलपान कर लिया और हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने जर्नी पे जहाँ हमें जाना है। चला जा पापा। और यहाँ पे मयंक फर्स्ट टाइम अपनी कार को ड्राइव करते हुए। आ गए हैं हम विंध्याचल जी के दरबार में। सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी नदी है, पर यहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे ज़ूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। तो फिर से एक बार पहाड़ की वादियों में, लास्ट ईयर भी मैं इसी मंथ में गई थी और इस बार भी फिर से पहाड़ को देखने का मिला, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है कि ये जो है वो आधा पानी में है, मतलब डूब गया है ये। तो आइए फिर चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये देखिए सामने जो बोर्ड है, वहाँ से मिर्ज़ापुर 3 किलोमीटर, विंध्याचल जी 7 किलोमीटर और इलाहाबाद हमारा 90 किलोमीटर है। तो आइए चलिए फिर चलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कार को पार्किंग में लगा दिया है और अब हम सब लोग जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। तब हम सब लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने जाने से पहले यहाँ पे हम लोग अपने प्रसाद के लिए रुके और यहाँ पे सब लोग अपना अपना प्रसाद पैक करा रहे हैं।
कितने की है चुन्नी है? 40 रुपए का चुन्नी है, 20 का है, 30 का है। तो फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, हम लोग जा रहे हैं अपना दर्शन करने के लिए। देखिए कि हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अब हम सब लोग पैदल चल के ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये स्कूल की छुट्टियां भी हो गई, बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं और ये रहा हमारा प्रसाद। और जहां से हम लोगों ने प्रसाद लिया था वहीं पे हम लोगों ने अपने स्लीपर्स को निकाल दिया और ऊपर हम लोग नंगे पैर जा रहे हैं। तो रास्ते में मम्मी बता रही थी कि ये जो पहाड़ के ऊपर ये मतलब था पहले, अब तो पहाड़ों को काट काट के ये मंदिर थोड़ा सा रोड के लेवल में ले आ दिए हैं लोग। तो ऐसे चलते समय हमें बहुत ऊंचाई का मतलब फील नहीं आ रहा था। तो आइए चलिए चलते हैं। हम लोग मंदिर के एकदम पास पहुंच गए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे टुकड़े थे पत्थरों के और हम लोग उस पे से चल के गए। तो ये देखिए ये अभी ऐसे रखा गया है ताकि हम लोग यहाँ से उस पार जा सकें। तो फाइनली ये रहा सामने हमारा मंदिर और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, अभी अभी आरती शुरू हुई थी। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आरती शुरू हुई थी और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और ये देखिए मम्मी पीछे से, पापा, मयंक और ये पिंपी दीदी साथ में आ रहे हैं लोग। और यहाँ पे अंकल की फैमिली आके खड़ी हुई है कि सब लोग आ जाए तो फिर हम लोग साथ में अंदर जाएं। और ये देखिए यहाँ का मंदिर थोड़ा नए में बन रहा है अभी, तो ये भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया जा रहा है। और हम लोग आ गए हैं मंदिर के बहुत अंदर। यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट हो रहा था तो मैंने अंदर का थोड़ा सा शूट ले लिया, बहुत अंदर जाके मैंने शूट नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर मना था। तो हम लोग मंदिर से बहुत बाहर आ गए हैं और यहाँ पे पैर इतना ज़्यादा जल रहा था धूप की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा फर्श गर्म हो गया था तो बहुत ज़्यादा जल रहा था। और फिर यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद लिया घर पे भी सबको देने के लिए और फिर अपने रिलेटिव्स में भी देने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़े देर स्टे किए और जिसको जो लेना था वो लिया, मम्मी तो प्रसाद ही ली। और फिर यहाँ पे जहाँ पे ये हम प्रसाद ले रहे थे वहाँ भी एक मंदिर था तो वहाँ पे मैंने ये मत्था टेका। ले लिया आप लोग? कैरेट का भैया? चलिए 160 तो दर्शन करके आए हम लोग। तो उसके बाद से हम लोग को बहुत ज़्यादा वाला प्यास लगा था और सबको, क्योंकि हम लोग ऐसे धूप में बस चले जा रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर किया खाने पीने के लिए और उसके बाद से पानी। तो ये देखिए ये कचौड़ियाँ लेके आए और फिर मयंक ने पानी मंगाया ठंडा एकदम, तो हम लोग पिए। और ये कचौड़ी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसमें नेनुआ की सब्ज़ी डाल के इन लोगों ने दिया था। तो मयंक कैसा है? जायका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि हम लोगों ने बाद में ये स्वीट डिश में अपना ये गुलाब जामुन ऑर्डर किया। उसके पास से फिर हम लोग यहाँ पे हाथ वाथ धो के निकल गए। तो ऊपर चढ़ते समय हमें पता नहीं चल रहा था कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, बट नीचे उतरते समय ऐसे पैर हमारे भाग रहे थे और यहाँ से लग भी रहा था कि हम लोग ऊंचाई पे गए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ से पैर अपने आप ही नीचे जा रहा है बस। और फिर मयंक बाद में पता नहीं कब आके अपनी कार थोड़ा इधर ले आके पार्किंग पे लगा दिया था। तो आइए चलिए चलते हैं। फिर हम लोग अपने प्रसाद वाले शॉप पे आए और यहाँ पे अपने प्रसाद का पेमेंट किया।
मम्मी अपना स्लीपर ले लो ना, चलो। जहाँ पे मयंक हम लोग की कार पार्क किया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पे इतना लकड़ी वगैरह काट रहे थे लोग मशीन से, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। मयंक, मम्मी बोली है तुमको कि गाड़ी लेके आगे आओ, तो वहीं बैठेंगे। तो अब सब लोग बैठ गए हैं, आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए ये पहाड़ों को तोड़ तोड़ के पत्थर निकाले गए। सो हम लोगों का विंध्याचल जी दर्शन पूरा हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं काली खो और अष्टभुजी का दर्शन करने के लिए। और कुछ भी प्लान नहीं रह रहा है इसलिए कार में ही चलते चलते कुछ प्लान हो रहा है और फिर मैं यहीं से शूट कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम काली खो जाएंगे और उसके बाद से अष्टभुजी। तो आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए हम काली खो मंदिर पहुंच गए, यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है। तो फाइनली हम लोग आए हैं काली खो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ऑफ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ आप लोगों से पार्ट 2 में।